अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन कावनान बुक 5. सो लेट्स टेक आउट द बुक, स्टार्ट द वर्क ऑन पेज 174. सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम बारग्राफ राइट डे 2021 क्लास वर्क एंड वेंसडे. अच्छा, इसमें आपको क्या बताया गया है? बारग्राफ क्या होता है? वो एक आप चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हो किसी भी डाटा को कंबाइन करके. फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या बता दिया इसमें कि कोई लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी से, बस से और चल के, मतलब पैदल बाय फुट. तो आप लोग वो कॉलम्स में बना सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल्स के ज़रिए कि कार के जा रहे हैं तो अगर 3 persons हैं तो वो 3 triangles बना लेंगे. बस के ज़रिए जा रहे हैं तो बस में अगर 5 persons हैं तो 5 triangles बना लेंगे. फुट के ज़रिए जा रहे हैं अगर फुट में 8 persons हैं तो 8 triangles बना लेंगे. ये आपको ट्राइंगल में रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में शो करने के लिए. अब बार ग्राफ में शो करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और वर्टिकल भी. यहाँ मैंने वर्टिकल फॉर्म में बना के दिखाई आपको. जैसे मैंने वर्टिकल में यहाँ पे नंबर्स यहाँ लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी है कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं और फुट से जा रहे हैं, वो बना लिए. कार से हमने बोला था 4 persons थे, 3 persons थे थोड़ी, और बस से हमारे 5 persons हैं, और फुट के पे जो जा रहे हैं ऑन फुट हैं, जो पैदल जा रहे हैं वो है हमारे, हमने डिसाइड किए 8 persons, ठीक है. अब वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए 3 तक, यहाँ 5 तक बार ड्रॉ किया और यहाँ पे 8 तक, ठीक है. ये हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये सॉरी वर्टिकल फॉर्म में है. यही हम लोग अगर दूसरी फॉर्म में बनाएंगे इस तरह की फॉर्म में तो वो वर्टिकल बन जाएगा, ठीक है. आप दोनों तरह से बना सकते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, अ पीई टीचर वांट्स टू नो विच गेम द स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट. ही कंडक्टेड अ सर्वे टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 140 students. अच्छा, पीई टीचर, ठीक है. अब उनकी एक पीई टीचर है फिजिकल एजुकेशन जो देती है, ठीक है. पीई स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर फिजिकल, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हैं वो गेम्स को ट्रीट करती हैं. उन्होंने 140 स्टूडेंट्स का सर्वे इकट्ठा किया कि वो स्पोर्ट्स कौन कौन सी, किसको क्या पसंद है. फिर उस सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या किया, एक बायोग्राफ के ज़रिए नेक्स्ट पेज पे हमें समझा कर बताया, पेज 175 पे. उस पे भी आप डेट लिखेंगे 21 2021 क्लास वर्क एंड वेंसडे. अब वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों की सेम ही, ठीक है. तो पहले वर्टिकल में ऐसे ऊपर से नीचे के फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट की फॉर्म में या राइट लेफ्ट से चल लीजिए. साइड पे उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाए हैं, और जैसे 5 करने बोलते हैं उन्होंने ऐसे बनाए 0 5 10 15 20 25 30 35 40. फुटबॉल के स्टूडेंट्स जो पसंद कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्रिकेट जो पसंद कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल, स्विमिंग जो पसंद कर रहे हैं, और हॉकी, ये सारी गेम्स हैं, ठीक है. फेवरेट स्पोर्ट्स, नीचे स्पोर्ट्स के नेम दे दिए, ये स्पोर्ट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अब फुटबॉल पे जो पसंद हैं वो 35 हैं. फिर क्रिकेट जिस इतने बच्चों को पसंद है वो येलो है, 40 students को क्रिकेट पसंद है. देन बास्केटबॉल जो है वो 20 students को पसंद है. फिर उसके बाद स्विमिंग जो है स्विमिंग और बास्केटबॉल सेम है, ठीक है, 15. के बाद यहाँ तक बास्केटबॉल बना दिया, ठीक है, ये भी 20 students हैं. नेक्स्ट है हॉकी, हॉकी 25 students को पसंद है, ठीक है. यहाँ पे भी इन्होंने यही बनाया है 20. दोबारा से रिप्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया. हॉरिजॉन्टल होता है जो इस तरह से हो, और वर्टिकल होता है जो इस तरह से ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर, ठीक है. अब स्पोर्ट कैटेगरीज क्या है, हॉकी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल. फिर उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइड पे लिख लिए, 25 students को पसंद है हॉकी, 20 को स्विमिंग, फिर बास्केटबॉल भी 20 students को पसंद है, क्रिकेट 40 students को पसंद है, फुटबॉल 35 students को पसंद है. बहुत आसान है, चाहे आप इसको देखें चाहे इसको देखें, तब भी दोनों के आप आंसर्स इनमें दे सकते हैं.
नाउ केयरफुली गो थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. अब क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स आपने पहले खुद ढूंढने और फिर यहाँ से टैली करने हैं. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द गिवन बार ग्राफ शो. अब टाइटल क्या करें, फेवरेट स्पोर्ट्स टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप स्टूडेंट्स का है जिनको फेवरेट, जिनके स्पोर्ट्स फेवरेट बताए जा रहे हैं. तो यहाँ पे आंसर होगा फेवरेट स्पोर्ट्स बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सर्वेड, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं. तो ये 35, 40, ये 20, 20 और 25, ये सारे आपस में ऐड कर लेंगे. 35, 40, 20, 20 और 25 प्लस करने के पास टोटल आ गया 140 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है. व्हाट स्पोर्ट इज लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी की जा रही है, सबसे ज़्यादा है क्रिकेट. सो क्रिकेट इज आंसर. विच स्पोर्ट्स आर लीस्ट लाइक, लीस्ट सबसे कम, लीस्ट होता है सबसे कम, कौन सी पसंद की जा रही है, दो हैं, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल. ठीक है, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर लाइक बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर. तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों मिला के कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 40 प्लस 35 75 स्टूडेंट्स दोनों गेम्स पसंद कर रहे हैं. ठीक है, ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन कैसे बनाई जाती है बायोग्राफ की, वो आपको शो किया गया. फिर उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर क्वेश्चंस हैं तो उनको आंसर कैसे किया जाता है वो आपको बताया गया. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस बायोग्राफ व्हेन इट इज़ गिवन इन योर पेपर और समवेयर इन द टेस्ट. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट पेज नंबर 176, दैट इज़ अबाउट डाटा. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.